Salamim! Let's go for test. Yes, कल रात जो इस बंदे ने कांड किए हैं, इधर आओ, लाइट इस तरफ है, कुछ ऐसे कांड किए मैं कैमरे पर बता नहीं सकता हूँ, क्यों क्या? तो बगल में उल्टी, इब्न बतूता, ता बगल में उल्टा, ता इब्न बतूता। कल रात हम लोग ये पार्टी पे थे, आमी पर्सनल इन द मेस, तो बस निकल रहे, तो अभी फिर से हमको बुलावा है, हम वहाँ जा रहे हैं। कल रात की वीडियोस में ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शेयर करने वाले हैं नहीं। सो फिलहाल बड़ो आपसे निकल रहे हैं, अभी चेक पॉइंट पर जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ बुलाया गया है, और वहाँ के बाद में हम निकलेंगे चकवाली के लिए, और आज का दिन बड़ा ही एडवेंचरस होने वाला है जी। तो बड़ो आपसे आपको पुलिस चौकी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है JKP, पुलिस चौकी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको आगे चकवाली जाना है। तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि जब आप बड़ुआ आए और वहाँ से आगे चकवाली जा रहे हो तो ये परमिशन जरूर। ऐसी कार्ड कैरी कर रहा हूँ इस बार, तो कल रात पार्टी कर रहे थे और मैं डेटा ट्रांसफ़र करना भूल गया अपने हार्ड डिस्क में, तो ऐसी कार्ड ऑलमोस्ट फुल होने वाला है और आगे बिजली नहीं मिलेगी। तो इस गांव में बड़ी मुश्किल से बिजली ढूंढी है, यहाँ पर लैपटॉप से कनेक्ट करके ऐसी कार्ड का डेटा ट्रांसफ़र करेंगे हार्ड डिस्क में और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चकवाली में हूँ मैं फिलहाल, और ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये जो एकदम पीछे दिख रहा है हल्का सा लाल दिख रहा होगा आपको, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये इंडिया का एरिया नहीं है, तो पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। आपने वीडियो देखा वो था चकवाली जो कि आखिरी पॉइंट है यहाँ पर गुरेज का। आखिरी पॉइंट से मेरा मतलब है कि इसके आगे जाना अलाउड नहीं है, अगर आप कुछ स्पेशल परमिशन लेके आ सकते हैं, मुझे नहीं मालूम किसकी, बट अगर एक स्पेशल परमिशन लेके आ सकते हैं विद अ वैलिड रीज़न, तो आई गेस शायद आपको आगे जाने देंगे। फिलहाल सिविलियंस के लिए चकवाली से आगे जाना अलाउड नहीं है, तो हमारे लिए इस वक्त यही आखिरी पॉइंट है। यहाँ पर गाँव बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही कम घर है, तो आपको थोड़े से चरिंद परिंद दिखेंगे यहाँ पर, ज़्यादा नहीं दिखेंगे, और लोग भी बहुत कम दिखेंगे, आवाम काफ़ी कम है खूबसूरत स्पेशली क्योंकि मैं अगस्त में आया हूँ, अगस्त में तो मानसून पीरियड है, तो काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर और ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, हसीन लग रहा है। फिलहाल अंगाईकोट पहुंचे हैं और अभी तक की सबसे ज़्यादा हसीन जगह अंगाईकोट लगी मुझे, खूबसूरत, किशनगंगा बह रही है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं, और लैंडस्केप्स मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने खूबसूरत। यहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल मैच खेल रहे हैं, तो हमने सोचा, स्कूल में खेलते थे हम भी, तो सोचा कि हम भी ज्वाइन कर लेते हैं वॉलीबॉल मैच के बाद।
कोर्ट सब निकल आए और अंगाई कोर्ट बहुत 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 ही ज़्यादा बेन था, खूबसूरत था। अगर यहाँ आए तो अंगाई कोर्ट जरूर जाए। 6:26 हो रहे हैं, 7:30 तक सनसेट हो जाता है, तो अभी कोई एक सनसेट पॉइंट यहाँ ढूंढ रहे हैं हम गाड़ी में, तो अच्छा सनसेट पॉइंट मिलेगा तो वहाँ बैठ कर इन्जॉय करेंगे नदी किनारे और एक अच्छा सा टाइम लग सकते आपके लिए। पहुँच कर होने को आ चुकी है, सनसेट करवा दिया हमने यहाँ पे और अब सनसेट के बाद में वापस जा रहे हैं रियाज भाई के घर पर, वहीं रुकेंगे और 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 आज रात देखते हैं शायद अगर फिर से मैच में खा रहे हैं क्या आज, लेकिन थोड़ा बेगैर सा फील नहीं होगा रोज़ रोज़ जाके देखेंगे तो नहीं होगा यार। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी फिर आर्मी मैच में उन्होंने लिहाज में तो बोल दिया मेजर साहब ने कि आ जाइएगा खाने के लिए मुझे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम रोज़ रोज़ जाएंगे तो बहुत बेगैर तो वाली हरकत हो जाएगी। तुमको लगता है कैसे वैसा, अगर उनका कॉल आएगा तो जाएंगे नहीं जाएंगे? चलो ये भी ठीक है, अगर उनका कॉल आया तो चले जाएंगे और कॉल नहीं आया तो नहीं जाएंगे। अगर मेजर साहब आप ये ब्लॉग आज से आने वाले 6 महीने 8 महीने 1 साल 5 साल 10 साल में देखें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मेहमान नवाजी करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी करी अलहमदिल्ला और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है आर्मी के जो अफसर हैं यहाँ पर उन्होंने हमारी, तो मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए उनका। फिलहाल रियाज भाई के घर पर जाते हैं, बैग रखते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। कल रात आप अगर रूम देख सकते हो यहाँ पर तो जो भी लगेज हमारा वो सारा बेड के ऊपर है और जो सोने का इंतजाम है वो होटल में नीचे। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, रियाज भाई के हम कल नहीं रुके क्योंकि रियाज भाई का घर था वो ऑलरेडी फुल हो गया था। ये रियाज भाई है खिड़की से झांक रहे हैं, सामने से आते हैं रियाज भाई, हम लोग वापस आ गए एकदम स्तब्ध हैरान परेशान। रियाज भाई कुछ बोले तो ऐसे देख रहे हैं कोई जायदाद लूट लिया उनकी मुझे लग रहा था कि ये इस टाइम सोच क्या रहे हैं, सस्पेंस क्रिएट कर दिया एकदम। खैर तो रियाज भाई का हमारे पास तो अभी आदमी रुका है ऊपर तो हमारे कमरे में आदमी बैठा है ऊपर तो देखो आपने गेस्ट हाउस में पूछा जहाँ पे किचन नहीं है लेकिन यहाँ मिली है किचन नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे 120 रुपए का थाली मिलेगा साला दाल चावल का, पर दाल चावल बहुत बढ़िया था भाई तो कुल मिला के जो रेस्ट हाउस मैंने PWD का आपको बताया था वहाँ पर हम रुके हुए हैं और पता नहीं क्यों मेरा बेड पे सोने को दिल नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने और केशव ने कहा कि हम लोग नीचे सो जाएंगे, नीचे कारपेट बिछा हुआ है और बेड पे अपना लगेज डाल लेंगे सर। से भी है बच्चा, उसको भी दो, आप भी आओ, आजाओ। नेट, आप भी आओ चले गए। ये लिया नेट। आह, एक बार मिल चुका है। चले ना? क्या ला? ये मैं तो क्या? मिल गया? अरे? दोनों नहीं? अब वो निकल गया अब तो? अब वो हाथ का आएगा वो निकल गया अपनी हाथ वो भाग लिया भागा गुरेज के रास्ते मतलब दावर के रास्ते में वापस आते वक्त आई डोंट नो जाते वक्त ये व्यूज मैंने क्यों नहीं देखे बट वे इंतहा बहुत ज़्यादा प्यारा यार। यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर गाड़ी रुकी हुई है, चकनाला एरिया कहलाता है ये, चकनाला एरिया के अंदर आप आएंगे तो यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि गुरेज के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़ है, तो यहाँ पर थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा ज़रूर रुकिएगा और व्यूज़ इन्जॉय कीजिएगा। किशनगंगा रिवर जो है वो यहाँ बह रही है, ब्यूटीफुल ट्रीज है और बहुत शानदार पीक्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं।
काफी दिन से, इनफैक्ट जब से दावर से आए हैं तब से हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं जाएंगे। तो अभी जब हम वापस लौट रहे थे चकवाली से या बड़ोआब से, तो दावर की तरफ, तो हमने सोचा दावर जो कि स्टार्टिंग पॉइंट एक तरीके से गुरेज का है मान लीजिए, तो हमने सोचा कि अब वापस आते हुए हबा खातून स्प्रिंग देख लेते। तो इधर थोड़ा सा चलकर जाना है, तो उस तरफ जा रहे हैं, आपको हबा खातून स्प्रिंग दिखाते हैं, सुनाएगा काफ़ी खूबसूरत है। वेलकम टू हबा खातून स्प्रिंग। जब से डावर आए तब से जाने का प्लान बन रहा है कि हबा खातून स्प्रिंग जाएंगे, हबा खातून स्प्रिंग जाएंगे। लेकिन इस बार हमने सोचा कि जब हम चकवाली से वापस आ रहे हैं डावर की तरफ, नीचे सोनमर्ग जाएंगे क्योंकि अभी कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक करना है, तो वहाँ जाने से पहले हबा खातून स्प्रिंग देखते हुए चलते हैं। काफ़ी बड़ा स्प्रिंग तो देखिए नहीं है, बट हाँ यहाँ पर आएंगे तो इतना यहाँ पर लोग हैं नहीं। आप यहाँ पर आओगे आप सुकून से 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ के नेचर इन्जॉय कर सकते हो। सामने आपके यहाँ पर किशनगंगा या फिर नीलम बह रही है, आप यहीं पर सुकून से बैठें, कुछ खाने पीने का लेकर आ जाएँ, उसके रैपर्स अपने बैग में रखें, वो यहाँ छोड़ कर ना जाएँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे साथ। So what are you doing, ma'am? Just chilling here. सोच तो रहा हूँ, मन तो कर रहा है बहुत ज्यादा नहाने का। डूबोगे कैसे? हैं? डूबोगे कैसे? डूबना क्यों जरूरी है? मतलब पानी की डस्ट नहीं रहती। अरे देखो। This came on camera, bro. देखिए इस नहाने जा नहीं। What do you say? इस जगह में नहीं। गजब बेइज्जती है। अंकित जाएगा नहीं। 3 hours later. ये क्या कर रहा है यार तू? ये क्या मजाक है क्या? मजाक समझ रखा तूने सब? हाँ शाबाश, घूम जा पलट जा, नीचे जा हल्के हल्के, पहले यहाँ जा, चल पलट जा, चल शाबाश, पैर देख के पैर स्लिप ना हो, बस ग्रिप बना, पहले ग्रिप बना। 3 days later. अरे क्या कर रहे, वापस क्यों आ रहे? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Shabash. Ye kar kya raha hai tu? हमारे बंकर का विंडो है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना कोजी सा होगा। हमको बैच में नहीं जाना है, 10-15 लोगों के। तो क्या हुआ, भैंस की आवाज आ रही है? ये तुमने करा है?